हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग है, बेसिकली मैंने एक प्रोडक्ट अपना मंगवाया था दराज से, ब्लॉगिंग किट एक तरीके से कह सकते हो उसको, ब्लॉगिंग का सामान मैंने मंगवाया था। और आज वो सामान फाइनली एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने, मतलब एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर प्लेस करा और वो ऑर्डर आज आ भी गया। सो आज मैं उस सामान की आप लोगों को अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाऊंगा उसमें, आई थिंक सो। खैर मैं कुछ बताता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सीधा दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, ये कुछ इस टाइप का सामान हमारे पास आया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या, मुझे फिलहाल तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा ना इसको ओपन करते हुए। सो फिलहाल खोलते हैं इसको, चलो। जी तो इसमें से आई हैं एक, दो, तीन और चार चीज़ें। जब मैंने मंगवाया था तब उस पर तो लिखा हुआ था कि छह चीज़ें होंगी। एनीवेज लेट्स सी। ये है हमारा स्टैंड, जिसे स्टैंड क्लिप, ये हमारे स्टैंड का क्लिप है। ओ ओ ओके ओके, ये बटन और क्लिप एक साथ आया है आई थिंक। आवर माइक, ये हमारा माइक है। और ये है हमारी रिंग। अब इसको असेंबल करते हैं। अच्छा भाई, तो ये कुछ सामान है हमारे पास। ये अब इसको असेंबल कैसे करना है, जॉइन कैसे करना है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो कोशिश करते हैं इसको जॉइन करने की। टिल देन अपने असिस्टेंट मुईज को बुला लेते हैं, क्योंकि आज आखिरी दफा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर तो हमारे पास हमारा स्टैंड आ ही जाएगा। तो चलो करते हैं कुछ। अच्छा भाई, ये सामान था कुछ लगभग, तो मैंने इसको मतलब असेंबल कर ही दिया है और अब इस सबको एक साथ आई थिंक असेंबल करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या होगा, बट लेट्स ट्राई। चलो अब कोशिश करते हैं इसको, ये जो इसका स्टैंड है इसको हम अपने स्टैंड के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, बिल्कुल तमीज से। मेरा फोन लग चुका है मेरे स्टैंड के ऊपर और एक सेकंड चीज मिल रहा था। फाइनली
एक मेरा अपना स्टैंड आ गया है, अब मुझे मेहनतें नहीं करनी पड़ेंगी किसी के कैमरा पकड़ने के लिए। तो ये तो अभी शायद मैंने सिर्फ फोन पकड़ने वाले लगाया है, तो पता नहीं ये आई डोंट नो ये कैसे लगेगा, बट स्टिल कोशिश करता हूँ। आई थिंक पहले सीधा होगा, क्या करता हूँ। जंगली ने कैमरा नीचे करा हुआ था, क्या कह रहे हैं आप, इसीलिए लिया ये स्टैंड मैंने। ओके तो ये लग चुका है, आई डोंट नो कि अब इसको हम क्या करना है इसके साथ, इस पर फोन कैसे लगाएंगे भाई। बेसिकली ये यहाँ से यू करके एक्सपेंड होता है, तो हमारा जो छोड़ो हमारा जो कैमरा होगा वो यहाँ पे फिट होगा और ये यहाँ से एक्सपेंड होता है लाइक दिस। चलो वीडियोस बनाने के, तुम तो दफा हो वीडियोस अच्छे बनाने के दिन आ गए हैं अब हमारे। ओके सो जहाँ तक इसका डिफॉल्ट मुझे लग रहा है वो ये है कि मैं अपने फोन को टिल्ट करके नहीं रख सकता और ये हिलता बहुत है, वीडियोस बनाते हुए बहुत डर लगेगा मुझे। ओके सो अब बारी आती है रिंग लाइट जलाने की। रिंग लाइट जलाने से पहले रिंग लाइट को कैसे जलाएंगे, ये वायर तो उसके साथ अटैच दिया हुआ है, क्या करना है इसका, क्या करना है। ओके सो जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये अडॉप्टर होगा, आपके पास अपना फोन का अडॉप्टर होना चाहिए, वो आप इससे कनेक्ट करेंगे एंड देन फिर आप जब लगाएंगे तो ये जलेगा। के हिसाब से तो फिर इसका तार काफ़ी छोटा है अगर देखा जाए तो, अगर आपको वीडियोस बनानी है तो इसका सेटअप फिर बड़ा होना चाहिए या फिर पावर बैंक आपको साथ में रखना पड़ेगा। स्टिल के इतने कम प्राइस में, प्राइस कितने हो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इतने कम प्राइस में ये अच्छी चीज़ है फिर भी। अच्छा जी तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, अब देखते हैं ये जो है इसका बटन यहाँ से मैं इसको ऑन कर। यहाँ से आई थिंक हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मोरा का येलो। मैं साफ हो गया, मेरा मुंह साफ हो गया, ये वाइट कलर हो जाएगा, ये स्किन टोन के हिसाब से आप अपना कलर चेंज कर सकते हो, वेरी नाइस। तो रिंग लाइट इज ऑल्सो आप गुड। तो बस प्रॉब्लम रिंग लाइट का मुझे ज़्यादा ये लगा कि आप उसको, अब मेरी यूट्यूब की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो मैं लैंडस्केप में बनाता हूँ, इसको मैं लैंडस्केप में नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम मुझे इसमें लगा। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छा सामान आया, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, बट बहुत अच्छा सामान आया यार। तो भाई तो सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं, हमने अपनी सारी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लिया है, अब बाजी रह गई है हमारे माइक को टेस्ट करने की, तो अब हम अपना माइक टेस्ट करेंगे। अच्छा जी तो माइक का वायर हमारे पास ओपन हो चुका है और देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी लंबा जो है माइक का वायर है, अगर इसकी लेंथ वाइज हम इसको देखें तो ये काफ़ी लंबा है। अच्छा जी तो ये माइक मैंने लगा लिया है, अब बारी है इसके टेस्ट करने की। अभी की जो मेरी आवाज़ है वो माइक के बगैर है, अब जो मैं आवाज़ लगाऊंगा वो माइक के साथ लगाऊंगा। बट एक्चुअली अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने अपना माइक लगाया हुआ है और कनेक्ट भी करा हुआ है, तो आई थिंक अब आवाज़ में थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए। बेसिकली बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई काम नहीं हुआ इसका जी। तो अब मैंने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर दिया है ब्लूटूथ से और काफ़ी इम्प्रेसिव है, मतलब एक बटन प्रेस करने से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है और स्टॉप हो रही है, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन आपसे थोड़ा सा दूर है आप इसको एक दफ़ा प्रेस करोगे और आपकी वीडियो जो है अगली स्टार्ट हो जाएगी। सो आफ्टर ऑल मतलब इतनी सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये माइक है, बाकी चीज़ों का काफ़ी यूज़ हुआ, बाकी चीज़ें काफ़ी
अच्छी निकली प्रोडक्ट्स, और वैसे भी इतने से पैसों में क्या चाहिए यार। और सो ये प्रोडक्ट्स तो मेरे खैर बहुत अच्छे निकले, और होप्स हो कि ये आगे मेरी ब्लॉगिंग में मेरी हेल्प करेंगे मजीद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये प्रोडक्ट कितने का है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो था हमारे पास 2800 का था, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली दराज 11-11 की सेल लगी हुई थी, तो ये मुझे पड़ा 1680 का। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला। मतलब मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको ये प्रोडक्ट बुरा लगा हो या जिसके साथ स्कैम हुआ हो। मेरे साथ तो खैर दराज से कभी भी कोई स्कैम नहीं हुआ है, बट ये चीज़ें जो थी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और आई होप सो कि ये आगे जाकर मुझे हेल्प करेंगी मेरे काम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को आगे और क्या देखना है, और लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग के साथ शेयर करिएगा, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर कि आप जाते जाते सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें। सो